नमस्कार, मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र में यूनिट संख्या 3 में चैप्टर आगम विश्लेषण रेवेन्यू एनालिसिस का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपना जो टॉपिक है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम किसे कहते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आगम का मतलब यहाँ रेवेन्यू का मतलब किसी वस्तु को बेचने से उसे होने वाला मतलब धनराशि जो प्राप्त होती है उसे हम आगम कहते हैं। जैसा कि हम मान लें कि प्रत्येक फर्म का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने व्यवसाय को अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, जिसमें फर्म की कुल आगम तथा कुल लागत में अंतर होता है। यदि लागत दी गई हो तो लाभ व बिक्री आगम पर निर्भर करता है। आगम विश्लेषण का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो कंटेंट हैं, सर्वप्रथम हम बात करें तो आगमों को 3 भागों में बांटा गया है। आगम विश्लेषण को 3 भागों में, आगम के रेवेन्यू के प्रकार, आगम को मैंने आपको बताया जितनी भी अपनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को अपन प्राइस से गुणा कर देंगे तो वो अपनी रेवेन्यू होगी। इसको अपन सेल आउट करने के बाद में तो अपनी वो क्या आ जाएगी, रेवेन्यू आ जाएगी। तो वस्तु की जो इकाया है और वस्तु का जो बेचेगी जो है क्वांटिटी, जो प्राइस जो सेल आउट करते हैं, कितनी क्वांटिटी अपने सेल आउट की वो अपनी रेवेन्यू होगी। जैसा कि मार्केट में हम कोई वस्तु को क्रय करते हैं तो वस्तु को क्रय करते हैं तो उसकी क्वांटिटी और प्राइस को हम गुणा कर देते हैं तो उससे अपने से रेवेन्यू प्राप्त हो जाएंगे। तो आगम टाइप ऑफ रेवेन्यू 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कुल आगम, जिसे हम टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं इंग्लिश में, टोटल रेवेन्यू, शॉर्ट में हम इसे TR भी कह सकते हैं, टोटल रेवेन्यू। दूसरा है अपना औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। तीसरा है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, इसे हम MR भी कह सकते हैं, इसे हम AR भी कह सकते हैं, इसे हम प्राइस भी कह सकते हैं, मूल्य। तो इस प्रकार से आगमों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। कुल आगम किसे कहते हैं, जब एक फर्म अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा बेच करके जो धनराशि प्राप्त करती है उसे हम कुल आगम कहते हैं। जैसे इसको हम बात करें तो TR बराबर कुल आगम बराबर वस्तु की बेचेगी इकाया इनटू वस्तु का मूल्य। तो TR बराबर क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वस्तु की बेचेगी इकाया इनटू मूल्य, वस्तु का मूल्य। ये अपना क्या आ गया, कुल आगम आ गया। TR जितनी अपन क्वांटिटी होती है उसे अपन प्राइस से गुणा कर देते हैं, उसको सेल आउट करते हैं तो अपने पास कुल आगम प्राप्त होता है। अब बात करें हम एवरेज रेवेन्यू की, AR की। AR को जैसा कि हम बात करते हैं, AR को अपन प्राइस भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू
जब फर्म द्वारा वस्तुओं की बिक्री से फर्म द्वारा वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल आगम को वस्तु की इकाइयों से भाग देने से या भाग देने पर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसका सूत्र है औसत आगम बराबर कुल आगम बटे वस्तु की बेची गई इकाइयां। औसत आगम बराबर वस्तु की बेची गई इकाइयां, कुल आगम बटे क्वांटिटी, जिसमें कुल आगम में वस्तु की बेची गई इकाई का क्या दे देंगे अपन, भाग दे देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। इसे हम प्राइस भी कहते हैं, मूल्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम AR ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगमों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने कुल आगम के बारे में अध्ययन किया और अब आती है हमारी सीमांत आगम। इसे अपन वस्तु की कीमत भी कह सकते हैं और मूल्य भी कह सकते हैं, मूल्य या प्राइस। सीमांत आगम, सीमांत आगम जब फर्म द्वारा वस्तु की एक और इकाइयां बेचने से जब कुल आगम में वृद्धि होती है तो वह सीमांत आगम कहलाती है। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर MR बराबर TR एन प्लस वन माइनस TR, मतलब कुल आगम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि सीमांत आगम कहलाती है। तो ये हम इस प्रकार से सीमांत आगम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जैसा कि हम बात करें कुल आगम में कितनी वृद्धि हुई, कुल आगम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि ही सीमांत आगम कहलाती है। अब तीनों को हम एक सचित्र हम बात करें, सचित्र हम व्याख्या करें तो हम आसानी से समझ पाएंगे। तो एक टेबल हम बनाते हैं जिससे हम आसानी से इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, TR, AR और मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर अपने पास वस्तु की क्वांटिटी या क्रम या वस्तु की उत्पादन की मात्रा ले लेंगे, वस्तु की मात्रा, वस्तु का मूल्य, इसे अपन प्राइस भी कह सकते हैं, मात्रा 7-8 तक ले लेते हैं, वस्तु का मूल्य 10 जो भी है, 10 9 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना वस्तु का मूल्य हो गया। अब हम ज्ञात करें TR, टोटल रेवेन्यू। तो मैंने आपको TR का फॉर्मूला बताया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस, वो अपना क्या आ जाएगा, TR 10 इंटू 1 9 इंटू 2 18 24 28 728 6 5 30 6 5 30 728 24 ये अपनी TR आ गई। तो इस प्रकार से हम AR भी ज्ञात कर सकते हैं। AR का फॉर्मूला होता है TR बटा क्वांटिटी। TR में अपन क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो पहले में 10 9, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुल रेवेन्यू में किसका भाग दे देंगे अपन, क्वांटिटी का भाग दे देंगे, तो अपनी ये आ जाएगी प्राइस। AR को मैंने क्या कहा था, AR का मतलब यहाँ पर क्या होती है, प्राइस भी होती है, तो प्राइस सेम आ जाएगी, या भाग दे के भी देख लो तो भी बात एक ही है।
अब आ जाइए अपनी मार्जिनल रेवेन्यू MR। MR किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? कुल आगम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। तो कुल आगम में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ मार्जिनल रेवेन्यू में। सर्वप्रथम 10, 8, 18 के बाद में 24, तो मतलब कुल वृद्धि कितनी हुई, 6। फिर कितनी हुई, 24 के बाद में 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4। तो ये अपना मार्जिनल रेवेन्यू, इस प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब इसकी हम सचित्र व्याख्या करें तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो हम आसानी से बना सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का और सीमांत आगम और औसत आगम का किस प्रकार से संबंध होता है, उसको हम सचित्र भी व्याख्या के रूप में देख सकते हैं। तो ये तो अपनी क्या हो गई, कुल आगम और औसत आगम। तो हमेशा हम बात करें AR की और TR की, तो पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से क्रियान्वयन होता है, तो किस प्रकार से औसत आगम और सीमांत आगम का संबंध होता है परफेक्ट कंपटीशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पर गिरती हुई और AR भी गिरती हुई, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। वाई अक्ष AR और MR, ये क्वांटिटी। जैसा कि आपको पता है AR और MR एवरेज रेवेन्यू, ये अपनी क्वांटिटी ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वांटिटी। पहले हम AR का डायग्राम बना लेते हैं। तो एक में 10, एक क्वांटिटी 10 के बराबर है, ये अपनी यहाँ पर क्वांटिटी अलग क्वांटिटी नीचे लिखनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8, ये दो दो का अंतर ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। एक एक का भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8, ये 9, ये 10। एक की क्वांटिटी में AR की हम कैलकुलेट करें तो 10 के बराबर, दूसरे 9 के बराबर, फिर 8, 7, 4, 3। तो ये अपना क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर 6 पे 0 काट रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में न कि अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार में AR MR गिरते होते हैं, और जबकि उसकी हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तो AR MR बराबर होते हैं। इसमें AR और MR क्या होंगे, बराबर भी हो सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। तो इस प्रकार इसमें आपस में हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हम अब बात करें आगम वक्रों के महत्व की, तो आगम वक्र के महत्व की हम बात करें तो आर्थिक विश्लेषण में आगम वक्रों का बहुत अधिक महत्व है, जिसमें AR और MR वक्र आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी बाजार परिस्थितियों में AR वक्र फर्म के लिए मूल्य रेखा होती है, जबकि फर्म की AR वक्र का फर्म की AC वक्र के संबंध में ज्ञात करना किया जाता है, जबकि फर्म अधि सामान्य लाभ या सामान्य लाभ अर्जित कर पाती है, अर्थात हानि भी उठा सकती है। यदि साम्य बिंदु पर AR वक्र AC वक्र से ऊंचा है तो फर्म अधिसामान्य लाभ कमाएगी, यदि AR वक्र साम्य बिंदु पर AC वक्र को स्पर्श करता हुआ है तो फर्म सामान्य लाभ कमाएगी, यदि साम्य बिंदु AR वक्र AC वक्र के नीचे स्थिर है तो फर्म हानि उठा सकती है। AR वक्र AC वक्रों के संबंध में यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि फर्म पूर्ण क्षमता का
पर काम कर रही है या नहीं कर रही, या एआर वक्र एसी वक्र को न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार इसमें आपस में संबंध इस प्रकार से हो जाएगा, ईपी बराबर एआर माइनस एमआर। यह संबंध की बात है यहाँ पर और उसके इम्पोर्टेंस की बात है। तो एमआर निकाल लेंगे यहाँ पर, एमआर बराबर एआर ईपी वन बटे ईपी। अब हम बात करें एआर बराबर एमआर की, एआर बराबर एमआर हो जाएगा यहाँ पर ईपी डिवाइड बाई ईपी लेस देन वन। तो इस प्रकार से हम कुल आगम और औसत आगमों के रूप में विभिन्न प्रकार से, तो सभी बाजार स्थितियों की हम बात करें तो यहाँ पर सभी बाजार स्थितियों में एमआर वक्र मार्जिनल कॉस्ट वक्र नीचे से काटता है, वहीं फर्म की संतुलन स्थिति हो पाती है। इस संतुलन स्थिति का आधार ही फर्म के उत्पादन मूल्य या लाभ या हानि की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकरण के अंतर्गत एआर व एमआर वक्रों की क्या भूमिका है। धन्यवाद।